अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन दम बिरयानी बना रही हूँ, कच्ची एकनी की, डबल मसाले वाली। तो चलिए मटन दम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 400 ग्राम प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसे फ्राई कर लूंगी। देखिए गैस पे तेल गर्म होने के लिए रखा है, इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। प्याज को मसलते हुए तेल में डालिए, सारी प्याज डाल देंगे। कंटिन्यू चम्मच घुमाते हुए प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, एक हाफ टी स्पून जितना, ताकि प्याज भी नमकीन बने और जल्दी ब्राउन हो जाए। अब कंटिन्यू चम्मच घुमाते हुए ब्राउन कर लूंगी प्याज को। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब तेल को नितारते हुए प्याज को निकाल लेंगे, सारी प्याज को। गैस पे एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर 6 से 7 लवंग डाल दूंगी, 2 इंच दालचीनी, 1 टीस्पून नाकेसर डाल दूंगी, टेल्ड पेपर, 1 टीस्पून काली मिर्ची, आधा सा मेज, जावित्री, 1 जायफल, धनिया 1 टेबलस्पून, 6 हरी इलायची, 1 तारफूल, 2 बेलीव्स, 2 बड़ी इलायची, 1 मराठी मोगू लिया है, 2 टीस्पून फेनल लिया है, बड़ी सौ जीरा 1 टीस्पून। इसे मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी 2 से 3 मिनट तक। स्टारफुल और एक डाल दूँगी, 2 स्टारफुल डाला है मैंने, स्टार एनिस। मैंने 3 मिनट भून लिया है। मसाले में से खुशबू आ रही है, गैस को बंद करके इसे ठंडा करके पीस लूँगी। देखिए सब कुछ मिक्सी के जार में डाला है, अब इसे पीस लूँगी फाइन पाउडर में। ये जायफल और बड़ी इलायची को खोल को डालेंगे। देखिए मसाले को मैंने फाइन पाउडर में पीस लिया है। बिरयानी बनाने के लिए मैं 800 ग्राम चावल ली हूँ। ग्लास से मेजर करेंगे तो 4 ग्लास चावल है ये। इसे 1-3 पानी से धो के पानी में भीगने के लिए रखेंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए चावल को भिगा लेंगे। मैं इसे धो लिया है, अब इसे भीगने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। मैंने यहाँ 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है, इसमें हड्डी चर्बी नरम सब कुछ है, मिक्स गोश्त लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, प्याज फ्राई कर ली थी ना उसमें की आधी प्याज डाल दूंगी इसके अंदर, 1 मुट्ठी भर कोथिंबीर, 1 मुट्ठी भर पुदीना, 1 लेमन का जूस डाल दूंगी, फुल 1 नींबू लिया है और ये दूसरा स्लाइस है जो मैंने मसाला पीसा है ना बिरयानी का। देखिए मसाले को मैंने फाइन पाउडर में पीस लिया है, इसके अंदर का 1 टेबलस्पून भर के निकाल लूंगी, साइड में रख लूंगी, बाकी का इसके अंदर डाल दूंगी मसाला। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लूंगी, गोश्त को लगा देंगे सब कुछ, बड़ी टोकरी में डाल के मिक्स कर लूँगी इसे। कि जो मैंने प्याज फ्राई कर लिया था ना वो तेल डाल दूंगी इसके अंदर, पूरा मसाला लगा दिया है। अब इसके अंदर दही डाल दूंगी, मैंने 1 कप दही लिया है। सब कुछ लगाएंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से लगा दिया है दही मसाला सब कुछ। अब इसे मैरिनेट कर लेंगे 2 घंटे के लिए, प्लेट ढक के, फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। देखिए 2 घंटे से मैरिनेट कर लिया है गोश्त को, तेल कैसे ऊपर आया है। अब इसे एक भगोने में डालेंगे, मोटे तले वाला एक भगोना लिया है बड़ा सा, इसके घी लगा दूंगी। देखिए घी लगा दिया है, अब ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालूंगी इसके अंदर। पूरी तरह से स्प्रेड कर लूंगी इसे। गैस पे एक भगोना रखा है बड़ा सा, इसका लिया है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल दूंगी। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर तेज पत्ता, इतनी सी जावित्री मेज, 4 इलायची को खोल के लिया है, छोटी इलायची को, 4 लवंग और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 2 टीस्पून शाजीरा डाल दूंगी, 4 हरी मिर्ची तोड़ के लिया है, हल्का सा फ्राई कर लूंगी। इसी के अंदर 1 मुट्ठी भर हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर पुदीना, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूंगी। इसे फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर पानी डाल दूंगी। इसमें पानी हम जितने ग्लास चावल लिए हैं ना उसका डबल पानी डाल देंगे। मैंने 4 ग्लास चावल ली है, एक उसके हिसाब से पानी डाल दूंगी, 8 ग्लास पानी डालूंगी इसके अंदर। भगोने में मैंने पानी डाल दिया है, इसके अंदर नमक डाल दूंगी,
देखिए आप चावल नॉर्मली पकाते वक्त कितना नमक डालते हैं ना, उसका डबल डालना चाहिए, क्योंकि पानी स्टेन करके निकालते हैं ना, इसीलिए नमक थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी चावल में नमक रहता है, नहीं तो फीकी लगेगी चावल। ये पानी में उबाल आ चुका है, अब चावल डालूंगी। एक घंटे से भिगा लिया है चावल को, अब डाल दूंगी। पानी को निकालते हुए चावल डाल दूंगी, सारे चावल को डाल दूंगी मैं इसके अंदर। देखिए हल्का सा पक रही है चावल, इसे पका लेंगे। देखिए चावल पक रही है, देखिए चावल 70% पक चुकी है, अब इसमें से निकाल के लेंगे। यहाँ गोश्त के ऊपर डाल दूंगी ये, स्प्रेड कर लूंगी इसके ऊपर, थोड़ी सी कोथिंबीर, थोड़ा सा पुदीना और फ्राई की हुई मैंने थोड़ी सी प्याज रखी थी वो डाल दूंगी। मैंने मसाला रखा था ना बिरयानी का, वो डाल दूंगी इसके ऊपर, देख के थोड़ा ही डाल देंगे। अब फिर अब 90% पकी है चावल, वो डाल दूंगी इसके ऊपर। 90% पकी हुई चावल है ये, के सारी चावल स्टेंज करके डाल दिया है। इसके ऊपर फिर से पुदीना और कोथिंबीर डाल दूंगी और ब्राउन प्याज, इस पर थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी बिरयानी का। यहाँ मैंने 100 ml दूध में केसर डाला है, ज़ाफ़रान डाल के भीगने के लिए रखा था, अब इसके अंदर डाल दूंगी ये, घी डाल दूंगी इस पे 1 चम्मच, मैंने हल्का सा केसर कलर भी डाला है, सिर्फ पाउडर वाला यहाँ वहाँ थोड़ा सा डाला है। देखिए चावल को सब कुछ डाला है, अब इसके ऊपर आटा लगाएंगे। मैंने गेहूं के आटे को गूंद के लिया है, चपाती के लिए गूंदते हैं ना उस तरह से गूंद के लीजिए। इसकी लंबी सी लोई बना के भगोने के ऊपर चिपकाते हुए जाएंगे, हर तरफ से अच्छे से टाइट करके बिठाएंगे आटे को, ना अंदर ना बाहर सेंटर में बिठाते जाइए। देखिए पूरे भगोने को मैं अच्छे से टाइटली बिठा रही हूँ। देखिए पूरे भगोने को बिठा दिया है इवनली आटे को, अब इसके ऊपर प्लेट ढक देंगे, ढक के ऊपर से टाइट करेंगे, सेंटर में एक बार मारिए ताकि अच्छे से टाइट हो जाए, सील हो जाए भगोना। इस तरह से भगोने के ऊपर 1-5 किलो जितना वेट रख दूंगी। देखिए मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया है, 2 ईंट और 1 पत्थर का कोलपट रखा है, टोटली 5 किलो है ये। चूल्हे की आंच मैंने फुल हाई पे रखा है, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। कि 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे भगोना रख दिया था, 5 मिनट के बाद तवा रखा है, तवा रखने के बाद हाई फ्लेम पे रखा है, 5 मिनट के लिए रखूंगी अब। 5 मिनट हो चुके हैं तवा रखने के बाद हाई फ्लेम पे, अब देखिए गैस की फ्लेम फुल लो कर ली है, अब 20 मिनट के लिए रखेंगे इसे लो फ्लेम पे ही। 20 मिनट लो पे रखने के बाद मैंने गैस को बंद कर लिया था, गैस को बंद करके इसे 15 मिनट के लिए, दम खोला ही नहीं है 15 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया था। अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब खोल लेंगे, फिर आटा निकाल लेंगे, अंदर गिरा है। देखेंगे बोटी पकी है या नहीं, पक्की है, ये देखिए बहुत ही गर्म है, देखिए पूरी तरह से पका है, अब निकाल लेंगे इसे भगोने में से। प्लेट में डाल लूंगी बिरयानी, देखिए हमारी बिरयानी रेडी है, बहुत ही अच्छी बनी है, गोश्त भी गला है और चावल भी नरम होके पकी है। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।